शीर्ष वरीयता प्राप्त बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को एक बार फिर जोर का झटका धीरे से लगा। जी हाँ, यूँ तो साइना नेहवाल ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा, लेकिन वही फाइनल मैच में उस इतिहास को भी बदल दिया। दरअसल साइना को स्पेन की कैरोलिना मारिन से 21-16, 14-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही $500,000 इनामी राशि वाले ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग का खिताब कैरोलिन ने जीता। बता दें कि मैरिन ने अपने करियर में पहली बार साइना को हराया है। इससे पहले के 3 बार हुए मुकाबलों में उन्हें साइना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं साइना इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं, लेकिन अफसोसवश वो यह खिताब नहीं जीत सकी। हालांकि मुकाबले के बाद मीडिया से बातचीत में साइना ने कहा कि मैच के बीच उनका फोकस टूट गया और वो नर्वस हो गई। साइना ने कहा कि पहले सेट को जीतने के बाद मैं जल्दबाजी करने लगी, उसी की वजह से मेरी एकाग्रता भंग हो गई और बाकी के 2 सेटों में सीधी तरह से हार मिली। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू।